Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. जुपिटर यानी बृहस्पति हमारे सौरमंडल का पांचवा और सबसे बड़ा ग्रह। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा गैस जायंट है। एस्ट्रोनॉमर्स जुपिटर को पुराने समय से ही जानते थे। रोमन्स ने इस ग्रह का नाम अपने देवता जुपिटर के नाम पर रखा था। जुपिटर आसमान में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाली वस्तु है। इस ग्रह की संरचना बेहद ही अजीब है और इसके पास अपनी रिंग्स भी हैं, पर जुपिटर का रिंग सिस्टम शनि ग्रह के रिंग सिस्टम की तरह मशहूर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के एपिसोड में हम अपने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में जानेंगे। सन 1610 में गैलीलियो गैलीली ने जुपिटर के चार सबसे बड़े उपग्रह खोजे, जिन्हें गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है। पर ये भी दावे किए जाते हैं कि 362 ईसा पूर्व ही चाइना के एक एस्ट्रोनॉमर ने जुपिटर के उपग्रहों को खोजा था। 7 और 8 ईसा पूर्व तक एस्ट्रोनॉमर्स जुपिटर का अध्ययन करते थे। महान भारतीय मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने भी सन 499 में यह बताया कि जुपिटर सूर्य का एक चक्कर 4,332.2722 दिन यानी 11.86 साल में लगाता है, जो कि बिल्कुल सही है। जुपिटर ग्रह का डायमीटर 1,42,984 किलोमीटर है और इसकी डेंसिटी 1.326 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि सभी बड़े ग्रहों में से दूसरे नंबर पर है, लेकिन सभी चट्टानी ग्रहों से कम है। जुपिटर मुख्य रूप से गैस और तरल पदार्थों का बना हुआ है। इसके एटमॉस्फेयर में लगभग 75% हाइड्रोजन गैस है और लगभग 24% हीलियम है और बाकी 1% अन्य पदार्थ हैं। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और सिलिकॉन कंपाउंड्स के ट्रेसेस भी मिले हैं। जुपिटर के वातावरण की ऊंचाई का पता लगाना चट्टानी ग्रहों के मुकाबले बहुत ही मुश्किल है। जैसे पृथ्वी और अन्य टेरेस्ट्रियल ग्रहों पर एटमॉस्फेयर एक ठोस सतह से शुरू होता है, पर जुपिटर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ग्रह पर गैस की परतें हैं और अंदर की तरफ लिक्विड लेयर्स भी हैं, पर वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल्स के लिए जुपिटर की गहराई में एक परत ऐसी ढूंढी है जहाँ पर प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है, जिसे वैज्ञानिकों ने जुपिटर की सरफेस कहा है। इस सरफेस पर तापमान 340 केल्विन यानी 67 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हल्के और गहरे रंग के बैंड्स दिखाई देते हैं, जो माना जाता है कि इसके एटमॉस्फेयर में गैस की परतों में प्रेशर डिफरेंस के कारण बने हुए हैं और इसी कारण जुपिटर में दो बैंड्स के बीच बड़े बड़े तूफान बनते रहते हैं। जुपिटर के साउदर्न हेमिस्फीयर में अब तक का सबसे बड़ा तूफान है, इतना बड़ा कि इसमें लगभग 2 पृथ्वियां समा सकती हैं। इस तूफान को द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। इस तूफान को 17वीं शताब्दी में कैसिनी और रॉबर्ट हुक ने खोजा था और माना जाता है कि यह 300 साल से अधिक समय से यह तूफान जुपिटर पर बना हुआ है। ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे तूफान भी इस ग्रह पर देखे गए हैं, जो कि कुछ दशकों में खत्म हो जाते हैं। जितनी ऊर्जा जुपिटर सूर्य से लेता है, इससे कहीं अधिक ऊर्जा यह स्पेस में रेडिएट कर देता है, क्योंकि इसकी कोर पथरीली है और इसका तापमान तकरीबन 20,000 केल्विन है। माना जाता है कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में 3 रीजन हैं। पहला है पथरीली कोर, जो कि पृथ्वी से लगभग 40 गुना भारी है। दूसरे रीजन में हाइड्रोजन लिक्विड रूप में मौजूद है, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है और इसी रीजन के कारण जुपिटर के पास सबसे ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है। इस ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर 65 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि शनि ग्रह से भी आगे तक है।
और तीसरा रीजन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है। जुपिटर पर अमोनियम क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोसल्फेट के बादल हैं। इन बादलों के नीचे पानी के बादलों की भी बहुत पतली सी परत पाई जाती है। यहाँ पर हवाओं की स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर तक होती है। जुपिटर सूर्य से 77.8 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी की दूरी से 5 गुना ज्यादा है। सूर्य की रोशनी को इस ग्रह तक पहुंचने में 43 मिनट का समय लगता है। जुपिटर पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा दिन होता है, जो कि सिर्फ 9 घंटे 50 मिनट और 30 सेकंड का होता है। यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 11.8 वर्षों में पूरा करता है, यानी कि जुपिटर पर एक साल में लगभग 4,332 दिन होते हैं। लेकिन इस ग्रह पर किसी भी तरह के मौसम नहीं बनते, जैसा कि अन्य टेरेस्ट्रियल ग्रहों पर होता है। इस ग्रह के रोटेशन को लेकर दो बातें बेहद खास हैं। एक तो यह कि इसका रोटेशन पीरियड सबसे छोटा है, लगभग 9 घंटे 50 मिनट और 30 सेकंड का। दूसरी बेहद खास बात यह है कि इस ग्रह के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। इस ग्रह का पोलर एटमॉस्फेयर इक्वेटर से 5 मिनट धीमी गति से रोटेट करता है। शनि ग्रह अपनी रिंग्स यानी छल्लों के लिए भी जाना जाता है, पर यह सुनने में अजीब लगेगा कि जुपिटर ग्रह की भी रिंग्स हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल के कारण हमें दिखाई नहीं देती। माना जाता है कि इस ग्रह के पास कभी रिंग्स थी ही नहीं। ये रिंग्स इसके उपग्रहों द्वारा छोड़े गए पदार्थों से बनी हैं, जो कि इसकी ग्रेविटी द्वारा पकड़ लिए गए हैं। इस ग्रह के लगभग 67 उपग्रहों का हम अब तक पता लगा चुके हैं, जिनमें गैलीलियो द्वारा खोजे गए 4 सबसे बड़े उपग्रह गैनीमेड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा शामिल हैं। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। इस ग्रह की अधिक जानकारी और स्टडी के लिए सन 1973 से कई मिशन भेजे जा चुके हैं। सन 1973 को शुरुआती दिनों में जुपिटर के लिए सबसे पहला मिशन पियोनीर 10 भेजा गया, जिसने इस ग्रह के बेहद पास जाकर अनेकों फोटोग्राफ्स और जानकारियां हमें भेजी। इसके 6 साल बाद वॉयेजर मिशन ने जुपिटर रिंग्स को खोजा और द ग्रेट रेड स्पॉट तूफान के बारे में भी बताया। इसके बाद कैसिनी और न्यू होरिजन मिशन भेजे गए। गैलीलियो प्रोब पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने जुपिटर की परिक्रमा की। जुलाई सन 1995 गैलीलियो प्रोब से एक 340 किलोग्राम का टाइटेनियम एटमॉस्फेरिक प्रोब छोड़ा गया, जो कि 7 दिसंबर सन 1995 को जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया। यह 2575 किलोमीटर पर आवर की गति से इसके एटमॉस्फेयर में घुसा और 57 मिनट तक अनेकों जानकारियां इकट्ठी करके हमें भेजी। अंत टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने से यह 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्रश हो गया। इसके बाद शायद यह पिघलकर वेपोराइज हो गया होगा। अंत 21 सितंबर 2003 को गैलीलियो ऑर्बिटर को भी धीरे से इस ग्रह की ग्रेविटी में छोड़ दिया गया और इसने भी अनेकों जानकारियां हमें भेजी। गैलीलियो ऑर्बिटर ने इस ग्रह का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया और हवा की गति को 644 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड किया, जब तक कि ये वेपोराइज नहीं हो गया। नासा ने एक और मिशन जूनो भेजा, जो 4 जुलाई 2016 को जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा। अगले 20 महीनों तक यह जुपिटर के 37 ऑर्बिट पूरे कर लेगा। जुपिटर के उपग्रह यूरोपा पर पानी ढूंढने के लिए भेजा जाने वाला मिशन जीमो फंडिंग न होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा अनेकों सवाल आज ऐसे हैं जो जुपिटर को रहस्यमय बनाते हैं। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पानी मौजूद है, पर गैलीलियो प्रोब ने इस बात के कोई संकेत नहीं दिए। हो सकता है कि शायद वो प्रोब असामान्य रूप से ड्राई एरिया में गिरा हो, पर इस विषय पर अधिक जानकारी की जरूरत है। इस ग्रह पर चलने वाली हवाएं कितनी गहराई तक चलती हैं और कौन सी ऐसी शक्ति है जो इन्हें चलाती है, इस विषय पर भी अभी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस ग्रह का अंदरूनी हिस्सा अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है, क्योंकि अभी तक इसकी कोर या अंदरूनी हिस्से तक कोई भी प्रोब अभी तक नहीं पहुंच पाया है। जुपिटर ग्रह की रिंग्स गहरे रंग की हैं, पर शनि ग्रह की रिंग्स चमकीली हैं। यह फर्क क्यों और कैसे आया, यह विषय भी अभी तक
अनसुलझा है। और भी अनेकों ऐसे ही रहस्य इस विशाल ग्रह में समाये हुए हैं। वाकई इस गैस जाइंट की केमिस्ट्री बेहद अजीब है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।